जिस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने में आपको पहले 3 से 4 घंटे लगते थे, उसी सफर को कम करने के लिए सरकार ने एक नया विकल्प निकाला है। शिपिंग मिनिस्ट्री द्वारा देश में 16 सी प्लेन रूट तैयार करने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के मद्देनजर 16 सी प्लेन रूट में गुजरात में 2 रूटों की पहचान की गई है। पहला रूट होगा अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दूसरा रूट होगा साबरमती रिवर फ्रंट से शत्रुंजय डैम के बीच। आपको बता दें कि शिपिंग मंत्री मनसुख मांडविया ने सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अक्टूबर तक सी प्लेन के संचालन करने के आदेश दिए हैं। गुजरात ना पण बे रूट आइडेंटिफाई करवामां आव्या छे। एक साबरमती थी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 200 किलोमीटर, बीजो रूट साबरमती थी पालीताणा शत्रुंजय डेम। आ बन्ने वर्तमान समय नी अंदर महत्वना प्लेसो छे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ए नर्मदा बांध अने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नी दृष्टिए समग्र देश अने समग्र विश्व नी अंदर अत्यारे एक महत्वनु डेस्टिनेशन बनी रह्यु छे। त्यारे अमे लोकोए साबरमती थी नर्मदा डेम सुधी सी प्लेन चलावा माटेनी तैयारीओ चालू करी दीधी छे। हाइड्रोग्राफिकल सर्वे नु काम पूरु थई गयु छे। हवे पछी तरत ज बन्ने साइड पर एटले के नर्मदा डेम साइट अने साबरमती नदी साइट बन्ने साइट पर जेटी बांधवानु काम चालू थशे। जेटी बांधवानु काम पूर्ण थया बाद तरत ज एविएशन मिनिस्ट्री नी साथे कोऑर्डिनेशन करीने हंगामी टर्मिनल उभू करवामां आवशे अने युडान योजना अंतर्गत आ रूट पर ऑक्टोबर सुधी में प्लेन चालू कर देवानो अमारो आयोजन छे। एवी ज रीते पालीताणा पर एक रिलीजियस टूरिज्म प्लेस छे, जैनोनु महत्वनु यात्रा स्थान छे। ए उपरांत खूब यात्राळु पालीताणानी पण मुलाकात लेता होय छे। त्यारे साबरमती थी शत्रुंजय डेम सुधी 250 किलोमीटर सी प्लेन चलावानुं प्लानिंग छे, एनो पण हाइड्रोग्राफिकल सर्वे ए पूर्ण थई चूक्यो छे। पहला साबरमती थी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अने त्यार पछी बीजा तबक्कामां साबरमती थी शत्रुंजय जलाशय सुधी एटले के पालीताणा सुधी सी प्लेन चलावानुं प्लानिंग अमे अत्यारे करी रह्या छीए। केंद्र सरकार ने 3 सी प्लेन पसंद कर लिए हैं, जिसमें 19 यात्री एक साथ सफर कर पाएंगे। और क्या खास बात है इस सी प्लेन की? सी प्लेन से अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सफर मात्र 50 मिनट का हो जाएगा। सी प्लेन से सफर करने का किराया तकरीबन 4000 से 5000 के बीच होगा। सी प्लेन की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अन्य विमानों की तरह सी प्लेन में भी 2 पायलट होंगे और हर दिन ऐसे 4 सी प्लेन यात्रियों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचाएंगे। ईशा मालवी की रिपोर्ट, गुजरात तक।